Let's start. What we had discussed yesterday, we discussed about the areolar connective tissue. In the connective tissue, we had discussed the one part, that is the areolar connective tissue. Today, we will discuss about the second connective tissue, that is the adipose. We will discuss adipose connective tissue. Write down adipose. एडिपोज का मतलब क्या है, राइट? एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोज जो है वो एडिपोसाइट से, यानी कि फैट्स, मतलब इन सेल्स के अंदर क्या होता है, दीज सेल्स, ये जितने भी इस टिश्यू के अंदर जितने सेल्स होंगे, दे आर हैविंग अ फैट ग्लोब्यूल्स. फैट ग्लोब्यूल्स मीन्स द फैट. तो कहाँ फैट है हमारी बॉडी में, फैट कहाँ पे है? इफ आई एम फैट, तो कहाँ है फैट? Below the skin, not only the stomach. When the fat occurs, so it automatically occurs throughout like the whole body. That means it occurs between the skin and the muscles, you can say, below the skin, around the blood vessels again. Okay? And sometimes these fats are important also. Like, agar hum baat kare, so this is also present in the heart also. Heart mein, why fat is there? Okay? Shock absorbing hota. It provides the cushion. ठीक है, इफ समवन लाइक दैट की एनी सपोज इफ एनीवन टॉप इन द यूनिवर्सिटी है ना, तो माइट बी बहुत ज्यादा हैप्पीनेस हो, खुश हो, तो क्या होता है, तो दैट इज द वहां पे कुशंस की तरह एक्ट करता है जो फैट्स हैं. ठीक है, दैट इज द शॉक एब्जॉर्बिंग. सो व्हाट वी विल से कि दीज सेल्स, इस टिश्यूज में जो सेल्स हैं, दीज आर हैविंग द फैट ग्लोब्यूल्स. ठीक है, इनको हम फैट्स बोलते हैं. राइट डाउन. अच्छा, yesterday I told you two types of the tissues are having the loose connective tissue. कौन कौन से? कल मैंने एक बात बोली थी कि having the loose connective tissue किसमें करा था हमने? Areolar. Second वाला ये है. If MCQ question will come कि which of the following two are having the loose connective tissue, तो किनमें दो होते हैं loose connective tissue? Areolar and adipose. ठीक है, पहले इसकी लाइन लिख लो, adipose की write down. The cells of these tissues are filled with, simply bracket में या इसके नीचे लिख लो, cells of these tissues are filled with इस cells के जितने इस tissue के जितने cells है filled होंगे with fat globules. और इसी के साथ यहां पे चाहे हम स्ट्रक्चर में लिखेंगे, बट यहां लिख लो लूजली अरेंज्ड हेडिंग के साथ ही. एज यस्टरडे वी हैड डिस्कस्ड लूजली अरेंज्ड, ताकि आपको याद रहे कि किन दो टिश्यूज के अंदर लूजली अरेंज्ड होते हैं एरियोलर एंड एडिपोज टिश्यू. राइट डाउन द स्ट्रक्चर पार्ट. राइट डाउन स्ट्रक्चर. पहला ही वाला, वो ही वाला पॉइंट दोबारा लिख लो. वो मैंने सिर्फ एक इसलिए लिखवाया कि इमीडिएटली देखते ही नजर पड़ जाए. ठीक है, राइट डाउन लूजली अरेंज. यहां पे दोबारा लिखो स्ट्रक्चर में, फाइबर्स आर लूजली अरेंज्ड. फाइबर्स आर लूजली अरेंज्ड. इसके भी फाइबर्स लूजली अरेंज्ड होते हैं. इफ आई एम सेइंग फाइबर्स आर प्रेजेंट, तो व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ द फाइबर्स वी हैड डिस्कस्ड? Thick and thin. In this also, thick and the thin fibers are present. Write down the second. Thick and thin fibers are present. It is the arrangement of the third. Likh lijiye. Second likh lijiye. Fibers are two type, thick and thin. Next likho. Arrangement of the fat cells called. Arrangement of fat cells called adipocytes. Adipose से ही हम इसको बोलते हैं. Okay? Okay? Clear है? नहीं नहीं ठीक है जी.
ठीक है. नाउ लोकेशन वेयर दीज आर प्रेजेंट, कहाँ है फैट सेल्स? बिलो द स्किन. राइट डाउन बिलो द स्किन, बिलो द स्किन, अराउंड ब्लड वेसल्स, अराउंड ब्लड वेसल्स. ठीक है, बिलो द स्किन, अराउंड ब्लड वेसल्स. एक और लिख लो हार्ट वाला भी. फाउंड अराउंड द ऑर्गेन्स, फाउंड अराउंड द ऑर्गेन्स. वेयर फैट्स गेट डिपॉजिटेड, ब्रैकेट में हार्ट लिख लेना. हम इसके फंक्शंस में डिस्कस करेंगे. और भी लिख लो, लिखना तो क्योंकि आपकी बुक में वर्डिंग गिवन है. अराउंड किडनी, अराउंड किडनी. नाउ डायग्राम, फिर उसके बाद फंक्शंस लिखते हैं. डायग्राम अगेन वी विल मेक अ बॉक्स. ठीक है, फाइबर्स आर लूजली अरेंज्ड, पहला पॉइंट डिस्कस किया था. एंड फाइबर्स आर ऑफ टू टाइप्स, थिक एंड थिन. सो ड्रॉ okay, fibers are loosely arranged. Pehla point discuss kiya tha structure mein, fibers are loosely arranged, fibers are thick and thin fibers, right? Teesra humne kya structure mein point discuss kiya hai, ki these are having the fat globules. Theek hai, ab humne wo banane hai. Uske pehle these fiber arises from a special cell called fibrocytes and fibroblasts. Write down and यहां पे बना लीजिए. ठीक है, ओके, क्लियर है बेटे? क्लियर है आपको? श्योर जी? हाँ क्लियर. Now make the fat globules, make a circle like this. ठीक है, now here the fat molecules, single molecules भी present होते हैं इनके अंदर और double भी, और इनका अपना nucleus भी होता है. ये single बनाया मैंने, fat globules, fat molecules. We can also draw, ये देख लो जिससे दो कैसे बना रही हूं, फिर आप पूछोगे पहले देख लो. लाइक दिस, ऐसे ऊपर. ठीक है, यहीं से एक और. ठीक है जी, क्लियर है? लाइक दिस, एक मॉलिक्यूल, फिर दूसरा, और सिंगल वाले भी बना दोगे एक दो, वन और टू. ठीक है, फैट मॉलिक्यूल्स एंड देन ऑल दीज कंपोनेंट्स आर प्रेजेंट इन अ फ्लूइड. व्हाट इज द नेम? मैट्रिक्स. मैट्रिक्स इज व्हाट? फ्लूइड ऑफ अ टिश्यू. नाउ लेबलिंग थिक फाइबर्स.
thin fibers, fat globules. You can write here nucleus of fat globule या molecule, nucleus, ठीक है, आप उसको पूरा भी लिख सकते हो, nucleus of the fat molecules or globules, ठीक है जी, nucleus of fat cells, इसको fat cells लिख लो, fat cells, nucleus of fat cell, जो बाहर वाले को है मैंने उसको फैट सेल्स बोला, अंदर वाले को अगर आपने रिप्रेजेंट करना है तो यू कैन राइट फैट मॉलिक्यूल्स, जो सिंगल और डबल बनाया है हमने, यू कैन राइट फैट मॉलिक्यूल्स, आ रहा नजर? हाँ, इसको आप कर लो फैट मॉलिक्यूल्स, एंड हियर इट इज मैट्रिक्स, Here it is matrix. Clear है? इसके बाद अभी आपको वीडियो दिखाऊंगी तो दोनों आपको ये टिश्यूज जो है कनेक्टिव टिश्यूज विजिबल होंगे. हाँ, write down the functions. Write down the functions. क्या करेंगे fats molecule? Right? Write down functions. Now, what the fats molecules will help us? What they will do? किसी को नहीं पता what the fats will do. That is the present ना? What it will help? Provide warmth. आप लोगों ने खुद करा हुआ है कि पेंगुइन्स, ठीक है, आपने वहां पे पढ़ा तो दे आर हैविंग अ स्पेशल ब्लबर, तो वो उसको क्या प्रोवाइड करता है, दैट इज आल्सो वार्म. सो फैट मॉलिक्यूल्स व्हाट दे विल प्रोवाइड, राइट डाउन, इट एक्ट एज एन इंसुलेटर. अच्छा प्रतीक्षा, वेट बेटा, इट एक्ट एज एन इंसुलेटर, राइट डाउन फंक्शन, इट एक्ट एज एन इंसुलेटर. As it and provide warmth. It acts as an insulator and provide warmth. ठीक है, second लिखिए, it acts as a cushion for shock absorbing. Insulator warmth provide करेंगे, they will protect the cold. Shock absorbing when they act as a cushion, cushion, it act as a cushion, ठीक है, for shock absorbing, these are the functions, ठीक है. You can see it. What is connective tissue and its types? Ab suno. Different organs of your body. You might be thinking about connective tissue. Yes, it's true. Connective tissues are most abundant and widely distributed in the body of higher animals. They are named connective tissues because of their special function of linking and supporting other tissues or organs of the body. Let's examine different types of connective tissue and their functions. Connective tissues are classified into three types: loose connective tissue, dense connective tissue, and specialized connective tissue. Loose connective tissues have cells and fibers which are loosely arranged in a semi-fluid ground substance. It is further divided into two types, areolar tissue and adipose tissue. Areolar tissue is present beneath the skin and serves as a support framework
For epithelium, it contains fibroblasts, macrophages, and mast cells. Adipose tissue is another type of loose connective tissue located mainly beneath the skin. The cells of this tissue are specialized to store fats. The excess of nutrients which are not used immediately are converted into fats and are stored in this tissue. Dense connective tissue are those tissue in which fibers and fibroblasts are compactly packed. On the basis of orientation of fibers, dense connective tissue is further divided into two types, dense regular and dense irregular. When orientation of fiber is regular, in that condition, it is called as dense regular tissue, while in dense irregular, fibers arranged in irregular pattern. Specialized connective tissue, bones and blood are different types of specialized connective tissue. Bones have a hard and non-pliable ground substance, little calcium salts and collagen fibers, which give bone its strength. It is the main tissue that provides structural frame to the body. Bone support and protects softer tissues and organs. The bone cells or osteocytes are present in the spaces called lacunae. Limb bones, such as the long bones of the legs, serve weight-bearing functions. They also interact with skeletal muscles attached to them to bring out movements. The bone marrow in some bones is the site of production of blood cells. On the other hand, blood is a fluid connective tissue containing plasma, red blood cells, RBC, white blood cells, WBC, and platelets. It is the main circulating fluid that helps in the transport of various substances. Let's solve some important questions for medical exams. Question 1. Which of the following cells of connective tissue secrete antibodies? 1. Mast cells. 2. Reticular cells. 3. Adipose cells. 4. Plasma cells. This question was asked in CBMD 2005. Solution. Areolar type connective tissue contains fibroblasts, macrophages and mast cells, and mast cells secrete antibodies for protection of body. Hence, option 1 is correct. Question 2. Adipose tissue is found in mammals. 1. In epidermis. 2. In muscles. 3. In dermis. 4. Below dermis. This question was asked in JIPMA 2000. Solution. Adipose tissue is a type of loose connective tissue located mainly beneath the skin, dermis. Hence, option 4 is correct. This video concludes about connective tissue and its types. Please like. Here. Excellent.